नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि टंट्या भील ने इंदौर के सिमरोल के समीप चिखली गांव में प्रवेश किया। कहानी अब आगे। थोड़ा अंदर आने पर रेंगू कोरकू ने एक घर की तरफ इशारा किया और बोला, यही घर है मामा। यह घर था चिखली गांव के सुनार का। टंट्या ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे पर आहट से जाग गए। अंदर से आवाज आई, कौन? भील, टंट्या भील। इतना सुनते ही अंदर सबको सांप सूंघ गया। कोई मोमेंट नहीं होने पर बिजनिया ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। घर के अंदर से एक आदमी को घसीटकर बाहर आंगन में पटकते हुए बिजनिया बोला, टंट्या यही है चिखली गांव का सुनार। टंट्या को देखकर सुनार सहमकर कांपने लगा। सबसे पहले तो 3-4 लोगों ने सुनार को जमीन पर पटक पटक कर मारा। बाहर हंगामा देखकर आसपास के लोग घरों से झांकने लगे, लेकिन हथियारबंद बागियों की टोली के आगे किसी ने चूं तक नहीं की। टंट्या ने उस सुनार का गिरेबंद पकड़ा और बोला, क्यों रे लाड साहब, कौन सी दौलत मांग ली थी तुझसे? थोड़ा सा खाना ही तो मांगा था, उसके लिए भी तूने मना कर दिया। अब देख, तूने भूख और बढ़ा दी ना हमारी। उठा लो रे घर में जो कुछ भी है, और सुनो, घर की महिलाओं और बच्चों को कोई तकलीफ मत देना। घर की खिड़की में एक बुजुर्ग महिला सहमी हुई देख रही थी। टंट्या ने उन्हें देखकर कहा, माई घबरा मत, तेरे बेटे को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। टंट्या ने आज तक किसी बेगुनाह को नहीं सताया। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बह जाओ, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को दबा देना। चलिए इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू करते हैं। चिखली गांव के सुनार को लूटकर और साथ ही इस बात का ऐलान करके कि अब टंट्या भील के होते हुए किसी भी गरीब पर अत्याचार करने वाले को दिन दहाड़े चौपाल पर टांग दिया जाएगा, ये आदेश देकर टंट्या भील चिखली गांव से वापस अपने ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं। एक दिन यूं ही घूमते घूमते टंट्या अपने गिरोह के साथ सुंदरेल गांव आया। सुंदरेल गांव होलकर रियासत में था। टंट्या सुंदरेल गांव में आया, जहां का पटेल टंट्या का बड़ा प्रशंसक था। सुंदरेल के पटेल ने सबकी आवभगत की और भोजन का बंदोबस्त किया। इसी के साथ पटेल साहब ने टंट्या की 16 रुपए देकर मदद भी की। सुंदरेल में एक रात गुजारने के बाद अगले दिन टंट्या भील उस गांव से वापस लौट रहे थे। शाम का समय हो चुका था। क्योंकि बिलखेड़ की गुफा वाला रास्ता उंदरी नदी के पास से होकर गुजरता था, यह घनी झाड़ी वाला इलाका होने से काफी सुनसान इलाका था। टंट्या भील अपने 20-25 साथियों के साथ लौट रहे थे। अचानक से झाड़ियों में हुई हलचल से सभी चौंक गए। तभी दोलिया बोला, मामा हथियार, यहाँ कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। सभी ने अचानक अपनी तलवार और खंजर एक झटके में निकाल लिए। अगले ही पल सभी ने टंट्या भील को चारों तरफ से घेर लिया और पैनी नजरों से हलचल की दिशा का अंदाजा लगाने लगे। अब आगे की तरफ वाले बागियों के एक हाथ में तलवारें वो राइफल्स व दूसरे हाथ में मशाले थी, जिनसे वो अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो शाम का समय था, लेकिन जंगल का रास्ता होने की वजह से वहां पूरी तरह से काला घना अंधेरा छाया हुआ था, जिस वजह से बागियों को अपने आसपास देखने में भी तकलीफ हो रही थी। सभी अपने हाथों में तलवार और मशाल लिए अपने सरदार के चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे थे। उन्हें वो आवाज अब थमती हुई दिखाई दे रही थी और फिर झाड़ियों में पैरों से किसी लकड़ी के टूटने और चरमराने की आवाज साफ सुनाई देने लगी, लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी की धड़कन तेज थी, वो पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। तभी टंट्या भील ने कहा, जाओ और 2 लोग सामने जाकर झाड़ियों में ढूंढो और देखो वहां कोई आदमी है या जानवर। टंट्या भील ने भी अब तक अपनी P-53 इनफील्ड राइफल निकाल ली थी। तभी अचानक से आ गए बागियों के पैर में एक फंदा टकराया और उनके कुछ समझने से पहले ही
और जोर से उनके चीखने की आवाज, और फिर एकदम से माहौल में शांति छा गई। अब उनके पास मात्र दो मसाले रह गई थी, जिस वजह से अब उन्हें चारों तरफ देखने में बहुत दिक्कत होने लगी। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दूरी के बाद उनके लिए कुछ भी साफ साफ देख पाना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक से कुछ राउंड फायर उनकी तरफ हुए, और जिस वजह से अब बाकी की दो मशालें भी जमीन पर गिरकर बुझ चुकी थी। और जैसे ही वो मशालें बुझी, कुछ अजीब सी धुंधली रोशनियां उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आने लगी। और जैसे ही रोशनी पास आई, सभी बागियों की एक के बाद एक सिर्फ चीखने की आवाजें शुरू हो गई। तभी किसी ने एक बागी को पीछे से लात मारी। उस बागी के आगे गिरते ही एक हरी रोशनी ने उसे धर दबोचा, जैसे किसी ने उसके हाथ को जकड़ लिया हो। वो साथी चाहकर भी अपनी तलवार नहीं उठा पा रहा था। टंट्या भील को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा था। देखने में सब कुछ उतिया सा लग रहा था। एक तो इतना घना अंधेरा, ऊपर से बिना रोशनी के उन्हें जंगल में कुछ भी दिख नहीं रहा था। तभी किसी ने एक जोर की आग लगाई, जैसे किसी के मुंह से लावे की आग निकली हो। कुछ पलों तक सब कुछ साफ साफ नजर आया, और फिर पलक झपकते ही फिर से एक बार घना अंधेरा छा गया। और कुछ ऐसा ही उपक्रम दो तीन बार और हुआ। उसके ऐसा करने से क्षण भर के लिए तो उजाला हो जाता था, लेकिन यह सब इतना अचानक से हो रहा था कि इससे टंट्या भील और उसके बागियों को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही थी। ऐसा करने के बाद वो जो थोड़ा बहुत देखने की कोशिश कर रहे थे, वो भी देखना बंद हो जाता था, वो जिस वजह से उन्हें लड़ने में और भी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तभी उनका एक साथी, जो बार बार ऐसे होने की वजह से अपने जज्बात को रोक नहीं पाया, वो जोश में आकर जोर जोर से चीखने लगा, मार दूंगा, सबको मार दूंगा, कौन है, कौन है डरपोक, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, आता क्यों नहीं कायर। और फिर उस साथी की आवाज भी शांत हो गई। टंट्या भील को समझ में आ गया था कि वो इस बार पूरी तरह से फंस चुका है और अब उनका बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर एकदम से उन्होंने अपना मन शांत कर और जो शक्तियां नौगजा बाबा ने उन्हें दी थी, उनमें से किसी एक शक्ति का स्मरण कर मन ही मन में उनका नाम लेना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करते ही उनके हाथ गर्म होना शुरू हो गए, उनकी नसें अंधेरे में भी चमकना शुरू हो गई, जैसे उनकी रगों में खून नहीं लावा भर गया हो। और अचानक से उनके हाथ के पास से एक गोली उनकी बाह को छूती हुई निकल गई। अपने दूसरे हाथ से कमर में बंधा खंजर निकालकर वो चारों ओर हवा में लहराने लगे और अंधेरे में उन अज्ञात लोगों को लहूलुहान करने लगे। टंट्या भील के साथी नानकू, दोलिया और दीपिया ने भी अपनी तलवारों को जोहर दिखाया और गाजर मूली की तरह दुश्मन के परकच्छे उड़ाने लगे। टंट्या के एक हाथ में दुश्मन की राइफल की धारदार नोक लगने से उनका हाथ लहूलुहान हो रहा था। अगले ही पल टंट्या के खंजर की रफ्तार धीमी होने लगी और टंट्या मामा जमीन पर बेसुद होकर गिर पड़े। आसपास की चार पांच परछाइयों ने टंट्या को उठाया और अपने साथ लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ हंसबरपुर गांव में बिजनिया टंट्या भील के समय पर ना पहुंचने के कारण बेहद परेशान थे। मैंने टंट्या को पहले ही मना किया था कि मुझे भी साथ ले चल, या 40-50 बागी और रख ले, लेकिन उसे मेरी बात की कोई फिक्र तो है ही नहीं, बस अपनी जिद के आगे कुछ नहीं सुनना है। बिजनिया परेशान होकर यहां से वहां घूम रहे थे और बस अपने आप से ही बड़बड़ाते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें टंट्या मामा की चिंता सता रही थी।
उन्होंने गुस्से में किसी आदमी को आवाज लगाकर पुकारा, मंगलिया, ओ मंगलिया। जी दादा, क्या आपने मुझे बुलाया? सुनो, कल सुबह ही सुंदरेल संदेशा भिजवा देना तुम्हारे टंटिया मामा को कि उन्हें बिजनिया ने तुरंत और अति शीघ्र हंसबरपुर गांव में जेसु पटेल के यहाँ बुलाया है। जी दादा, मैं सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ ही संदेशा भिजवा दूंगा। नहीं, ये संदेशा सूरज के निकलने से पहले ही भिजवा देना चाहते हैं हम, ताकि वो सूरज के छिपने से पहले ही हमारे समक्ष हो, समझे? बिजनिया ने मंगलिया को क्रोध में आदेश देते हुए कहा। कौन थे वो लोग और किस तरह के थे वो लोग? क्या हुआ था उस रात टंटिया भील के साथ? क्या किसी दुश्मन ने उनका अपहरण कर लिया था? और क्या थी वो शक्ति? और कैसे आई ये शक्ति उनके पास? इन सभी सवालों का हल जानने के लिए देखिए हमारी रोबिनेट सीरीज का अगला एपिसोड और जुड़े रहिए धरती आबा के साथ। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि अगले एपिसोड की अपडेट्स मिस ना हो। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जोहार।